संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। मैं गुरविंदर संजू के ढाबे पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक क्विक रेसिपी बताऊंगी जो कि है बेसन का चीला। चलो चलते हैं रसोई में। बेसन का चीला बनाने के लिए लिया है हमने 200 ग्राम बेसन, एक कटा हुआ अदरक, एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, दो हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। चलो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, अब हम इन सबको ग्राइंड करेंगे। ये हमारा मसाला ग्राइंड हो गया है। अब हमने इसको डालना है बेसन में। धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च और पानी। अब हमने इसको मिक्स करना है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, पतला सा बनाना है हमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा बैटर हो गया तैयार। अब हम इसको पकाएंगे। अब हम लेंगे एक तवा, इसको अच्छे से गरम करेंगे। ये अब गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, और अब ये थोड़ा सा डालेंगे बैटर और इसको फैला देंगे। ये अच्छे से फैल चुका है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा चीला एक तरफ से पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी। अब इसको पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकता रहने देंगे। दो मिनट के बाद ये पक जाएगा। अब ये हमारा चीला तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारा बेसन का चीला तैयार है। इसे खाते हैं और इंजॉय करते हैं। आज आपने सीखा बेसन का चीला बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट उसमें मिलते हैं संजू के ढाबे पे। तब तक के लिए नमस्कार।